हेलो फ्रेंड, इस क्लास के अंदर आज हम सीखेंगे फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो दो सी लैंग्वेज जो है हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। सी इज दी वाइडली यूज्ड लैंग्वेज, देन ठीक है, ये तो हम सब भी जानते हैं। सी लैंग्वेज क्या है, हमारी वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। तो सी के अंदर टोटल फीचर्स कितने होते हैं, टोटल फीचर होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर 10, ठीक है, और भी होते हैं। तो हमारे पास क्या है, अभी 10 फीचर्स हैं जो मोस्टली यूज हो रहे हैं। कौन कौन से हैं, सिंपल, मशीन इंडिपेंडेंट, मिड लेवल प्रोग्रामिंग, रिच लाइब्रेरी, फास्ट स्पीड, पॉइंटर, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिकर्सन, एक्सटेंसिबल, मेमोरी मैनेजमेंट। ये सारे क्या क्या हैं हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के, क्या हैं ये सब फीचर्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले फीचर पे बात करते हैं जिसका नेम है कि सिंपल। सी लैंग्वेज क्या है हमारी, सी इज अ सिंपल लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है हमारी, एक सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी जो लैंग्वेज आपकी सिंपल है, सी हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये है कि टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन टू पार्ट, हमारी जो प्रॉब्लम है हमने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया किसमें, अलग अलग पार्ट में, ठीक है। और सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, डेटा टाइप, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सो ये सारी चीजें अगर देखते हैं तो सी लैंग्वेज हमारी क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सी लैंग्वेज हमारी सिंपल क्यों है, सी लैंग्वेज हमारे को प्रोवाइड करती है क्या चीज, एक स्ट्रक्चर अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन टू पार्ट, हर प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए चीजें यहां पर आपको मिलती हैं। और सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या है कि द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन और डेटा टाइप और भी बहुत सारी चीजें, तो इसलिए सी लैंग्वेज हमारी क्या है, सिंपल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल क्यों है। देखो जब हम क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक कोड लिखते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं, किसमें, सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज का हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक कोड लिखते हैं, तो उस कोड का नाम क्या है, सोर्स कोड। वो कोड आपका कैसा होगा, एक ओएस इंडिपेंडेंट होगा। तो आपका सोर्स कोड है, जो सोर्स कोड कैसा है आपका, ओएस इंडिपेंडेंट। मगर अगर वैसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, कंपाइल कोड के साथ, किसको, सोर्स कोड को, तो कंपाइल कोड आपका कैसा है, आपका ओएस डिपेंडेंट। कंपाइल कोड कैसा है आपका, ओएस डिपेंडेंट। तो मशीन लैंग्वेज, सॉरी मशीन हमारे पास क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल, अनलाइक असेंबली लैंग्वेज। जो सी प्रोग्राम है आपका, जो सोर्स कोड है, कैन बी कंपाइल्ड इन मैनी मशीन विद लिटिल और नो चेंज, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो आपका होता है सोर्स कोड, दूसरा आपका क्या होता है, कंपाइल कोड, ठीक है। जब सोर्स कोड को देखते हो सी लैंग्वेज के अंदर, जो सोर्स कोड है आपका कैसा होगा, आपका ओएस इंडिपेंडेंट, और जो आपका कंपाइल कोड होगा वो कैसा होगा, आपका ओएस डिपेंडेंट। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद एक और पॉइंट आता है, सी प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं, सी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, दो फंक्शन मिलते हैं, या दो ऐसे इसके अंदर, इसकी जो मेन बातें हैं सी लैंग्वेज की, वो कौन सी मेन बातें हैं इसकी, सी लैंग्वेज के अंदर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग और साथ में क्या कर सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और क्या हो रहा है इसके अंदर, अब डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर, किस चीज का,
देखते हैं, इट इज यूज टू डेवलप क्या चीज, इट इज यूज टू डेवलप क्या चीज, सिस्टम एप्लीकेशन, जैसे कि कर्नल, ड्राइवर। तो मोस्टली मैं ये जानता हूं कि ड्राइवर हर इंसान जानता होगा, तो ड्राइवर जो यूज कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरे पास क्या विंडो 10 है, तो विंडो 10 के अंदर मैं क्या डालूंगा, ड्राइवर। कौन कौन से हो सकते हैं, लैंड ड्राइवर, ठीक है, ओरियो ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर, तो ये सब क्या है आपके ड्राइवर्स हैं, ठीक है। और जो जो सी लैंग्वेज है हमारी क्या सपोर्ट करती है, इट सपोर्ट ऑल्सो फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपकी क्या सपोर्ट कर रही है, फीचर्स किसके, हाई लेवल लैंग्वेज के, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सी लैंग्वेज को बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसका क्या है, ब्रेक द प्रोग्राम इन टू पार्ट यूजिंग फंक्शन, ब्रेक द प्रोग्राम मतलब हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम बनाया इस टाइप से, हमने क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया इस टाइप से, हमने उसको क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे एक प्रोग्राम है मेरे पास एडिशन का, दूसरा मेरे पास क्या सब्ट्रैक्शन का, हमने क्या कर दिया, इसको अलग बना दिया, इसको अलग बना दिया, और एक मेन प्रोग्राम अलग बना दिया। अब मेन के अंदर मैंने क्या यूज किया, खाली इसका नेम यूज कर लिया, एक एड और दूसरा सब्ट्रैक्शन का सब, ठीक है। अदरवाइज मेरे इस एडिशन वाले प्रोग्राम में कोई एरर है तो मैं इस एडिशन वाले प्रोग्राम को क्या कर पाऊंगा, मॉडिफाई कर पाऊंगा, और साथ में इसमें कोई सा भी चेंज मैं यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ। मुझे पता चल जाएगा कि एरर मेरी इस प्रोग्राम के अंदर है, मेरी एरर क्या सब्ट्रैक्शन वाले प्रोग्राम के अंदर है, अदरवाइज मुझे मॉडिफिकेशन कहीं करना है तो मुझे इस वाले प्रोग्राम में करना है या फिर मुझे एडिशन वाले प्रोग्राम के अंदर करना है, ठीक है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, सो ब्रेक द प्रोग्राम इन टू द पार्ट यूजिंग द फंक्शन, सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। देखो सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे को एक फंक्शन मिलता है या एक अच्छी सी लाइब्रेरी मिलती है, वो क्या है, सी के अंदर एक रिच लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, पहले से लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन, मतलब बहुत सारे यहाँ पर क्या बने हुए पहले से फंक्शन मिलेंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट, हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से हमें क्या मिला यहाँ पर, रिच लाइब्रेरी, और पहले से क्या मिले हुए हैं इसके अंदर हमें, बहुत सारे फंक्शन, ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है सी के अंदर। तो सी के पास क्या है, हमारी रिच लाइब्रेरी, जिसके अंदर क्या है, सी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बेसिक प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, बेसिक प्रोग्राम, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, बेसिक प्रोग्राम, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक प्रोग्राम लिखोगे, किस पर लिखोगे आप, या आप उस प्रोग्राम को लिखने के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइल की, कंपाइल किस पे करोगे, मतलब कि हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर, किसके लिए, सी प्रोग्राम के लिए। हमें क्या करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की, कि हमें क्या क्या करना है, कंपाइल करना है, रन करना है, हम कैसे करेंगे, अब इस साथ में हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम भी बनाना है, तो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम ये सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।